Hello everyone, my name is Sumedha and today we'll start with Newton's third law of motion. After discussing Newton's first law of motion and second law of motion, let's go to third law of motion. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. For example, mere paas do bodies hai, body A and body B. जो बॉडी बी है वो बॉडी ए पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी. एफ ए बी इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. बॉडी ए भी बी पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, दैट इज फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए. What is FBA? Force on B due to A. So according to Newton's third law, both the forces are equal and opposite. Equal in magnitude. That means jitni force body A पर लग रही है, जितनी फोर्स बी ए पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स ए बी पर लगा रहा है. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट. दैट मीन्स एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ बी ए. अगर एफ ऑफ ए बी की डायरेक्शन ये है तो बी ए की उसके ऑपोजिट. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब बात आती है अगर ये इक्वल है और ऑपोजिट भी है तो दे शुड कैंसिल ईच अदर. लेकिन ये फोर्सेस कैंसिल नहीं करती है क्योंकि जो ये रिएक्शन हो रहा है दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. बॉडी ए पे एक्ट कर रहा है, बॉडी बी पे एक्ट कर रहा है, दोनों बॉडीज पे डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं. कैंसिल तब होता है जब जो रिएक्शन है वो एक ही बॉडी पे एक्ट करता है. लेकिन दीज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर ये जो रिएक्शन है ये कैंसिल नहीं होगा. अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, हमने ये पढ़ा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब बात ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई होने के लिए या एप्लीकेबल होने के लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी तभी न्यूटन थर्ड लॉ होगा. न्यूटन थर्ड लॉ वहाँ पे भी एप्लीकेबल है जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं है, दैट मीन्स उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है. तो इस सिचुएशन में भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है. अब ये थे सारे न्यूटन्स लॉस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. नाउ लेट्स मूव टू फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम विच इज एफ बी डी. अब हमने तीनों लॉस डिस्कस करे न्यूटन के, देखा कि फोर्स कैसे लगती है, मोशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है. नाउ वील सी कि जो फोर्सेज है वो बॉडी पे एक्ट कैसे करती है. फॉर दैट वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं बॉडीज को एंड वो सारी फोर्सेज को जो बॉडीज पे लग रही है. से दिस इज अ बॉक्स ऑफ मास m एंड दिस इज स्मॉल m. दिस इज अ प्लेन. यहाँ से मैंने फोर्स लगाई एक्सटर्नल फोर्स F. अब मैं फोर्स मास m पे लगा रही हूँ, स्मॉल m. जब फोर्स मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, ये मूव होगा. एंड माई वन कंडीशन इज दिस प्लेन इज फ्रिक्शनलेस.
फ्रिक्शनलेस। अगर प्लेन फ्रिक्शनलेस है तो जैसे ही फोर्स लगेगी ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, हम अपनी हर बॉडी को अलग से डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि ईच बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है। अब इन दिस सिस्टम आई हैव टू बॉडीज, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। सबसे पहले ग्रेविटी, कैपिटल एम जी जो बॉक्स है वो फोर्स लगा रहा है सरफेस पे डाउनवर्ड्स, विच इज एम जी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉक्स सरफेस पे फोर्स लगा रहा है तो सरफेस भी बॉक्स पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, विच इज नॉर्मल एन वन एंड से एन टू, वेयर एन वन एंड एन टू आर नॉर्मल रिएक्शंस। एन वन एंड एन टू आर नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शंस क्या होता है, दिस इज टूवर्ड्स द बॉडी एंड ऑपोजिट टू द सर्फेस, टूवर्ड्स बॉडी एंड ऑपोजिट टू सर्फेस। बॉक्स ने सर्फेस पे फोर्स लगाई एम जी, सर्फेस ने बॉक्स पे फोर्स लगाई नॉर्मल रिएक्शन। ये तो हो गई ये दो फोर्सेस की बात। अब यहाँ पर क्या है, एक और फोर्स है एफ एक्सटर्नल, यहाँ से लगी एफ एक्सटर्नल। अब जो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है ये मास एम पर ही लग रही है, एम वन पे नहीं लग रही है। अब ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, दैट मीन्स जो मास एम है बॉक्स ऑफ मास एम वो कुछ फोर्स स्मॉल एम पे लगाएगा, जितनी फोर्स कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगाएगा उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगाएगा। सो दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब इनकी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है वर्टिकली, वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन्स एन वन माइनस एम जी। माइनस क्यों आया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। एन वन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रही है, दैट मीन्स एन वन इज इक्वल्स टू एम जी। सिमिलरली एन टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एम जी, वेयर एन वन एंड एन टू आर नॉर्मल रिएक्शंस। सो दीज वर द फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर अ गिवन सिस्टम। अब उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे हेल्प करते हैं एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैन इन अ लिफ्ट। अब एक मैन है जो लिफ्ट में है, केस वन, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है। कंसिडर दिस इज लिफ्ट, लिफ्ट में एक मैन है। अब मैन पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है, जो मैन का खुद का मास है वो एम जी, मैन सरफेस पे फोर्स लगा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस भी मैन पे कुछ फोर्स लगाएगा, से एन। लिफ्ट रेस्ट पे है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगी लिफ्ट की भी और मैन की भी। देयरफॉर एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम फोर्स के साथ इक्वेट करते हैं, यहाँ पे जीरो इसलिए है बिकॉज फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। सो एन इज इक्वल्स टू एम जी, दैट मीन्स जितना फोर्स मैन लिफ्ट पे लगा रहा है सरफेस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सरफेस मैन पे लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी। केस टू, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड। अब लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है,
again mg, normal reaction. और अब क्या हो रहा है, लिफ्ट क्या जा रही है ऊपर, दैट मीन्स लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. तो इक्वेशन लिखते हैं n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए एक्सेलरेशन. सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम ए प्लस जी. दैट मीन्स जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो वो मैन है उसको जो अपना वेट है वो हैवी फील होगा. वेट इज इंक्रीज्ड विथ ए प्लस जी. वेट क्या था पहले, नॉर्मल जब लिफ्ट रेस्ट पे थी एम जी, लेकिन अब जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ए प्लस जी. दैट मीन्स जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट इंक्रीजेस. दैट मीन्स कि जब पर्सन जा रहा है मूव कर रहा है लिफ्ट के साथ ऊपर तो उसको अपना वेट क्या होगा, इंक्रीज्ड फील होगा. नेक्स्ट केस देखते हैं 3. When lift is moving downwards, अब क्या हो रहा है, लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रही है. एम जी नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड. तो अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम ए. एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू नॉर्मल. एम जी माइनस ए इज इक्वल्स टू नॉर्मल. तो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज एम जी माइनस ए. जब लिफ्ट नीचे आएगी तो वेट क्या हो गया, दैट इज अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट डिक्रीजेस. तो जब हम लिफ्ट में जाते हैं, जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो हमें बहुत लाइट फील होता है. वो हमें लाइट इसीलिए फील होता है क्योंकि जो हमारा अपेरेंट वेट है वो डिक्रीज हो रहा है. सिमिलरली 3 केसेस, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो हमें नॉर्मल वेट महसूस होगा, वील फील द नॉर्मल वेट. जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स वील गेट अपेरेंट वेट इंक्रीज्ड. देयरफॉर वी फील कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है एंड वी फील काइंड ऑफ हैवीनेस. When lift is moving downwards, जो apparent weight है वो decrease हो रहा है. In this case, we feel very light. जब lift नीचे जाती है तो हमें बहुत light feel होता है. अब एक case और आता है free fall का. That is free fall. Free fall में क्या होता है? Lift downwards move करती है under the effect of gravity. N minus एम जी इज इक्वल्स टू फोर्स. डाउनवर्ड मूव कर रही है. फ्री फॉल में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट मीन्स जो मैन सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है लिफ्ट के वो एम जी, एंड जो सरफेस मैन पे एग्जर्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन फ्री फॉल में क्या हो जाता है, ज़ीरो. एन क्या हो जाता है, ज़ीरो. जैसे ही एन ज़ीरो होगा तो जो मेरी फोर्स है वो क्या हो जाएगी, mg के इक्वल. दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल. सो दीज वर द 4 केसेस अबाउट द लिफ्ट एंड अ मैन इन अ लिफ्ट. नाउ वील स्टडी मोशन ऑफ अ कनेक्टेड पुली. एक पुली कंसिडर करते हैं जिसपे 2 मासेस है, मास m एंड मास स्मॉल m. मास कैपिटल m इज ग्रेटर देन स्मॉल m. दिस इज जस्ट अ अजम्पशन. नाउ जो ये पुली है दिस इज मासलेस, दिस इज ऑल्सो जस्ट एन अजम्पशन. हम कंसिडर करते हैं कि पुली मासलेस है ताकि हमें पुली का जो मास है वो इंक्लूड ना करना पड़े. अब
ये थ्रेड है विच इज कनेक्टिंग टू मासेस विद द हेल्प ऑफ अ पुली. थ्रेड की टेंशन टी इज द टेंशन इन द थ्रेड. अब जो थ्रेड की टेंशन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज टूवर्ड्स द थ्रेड. अब ये भी टी है बट हमें अगर देखें तो हमें थ्रेड्स तो दो अलग अलग लग रहे हैं, तो इनमें एक टेंशन कैसे हो सकती है. अब देखने में तो ये दोनों चीज़ें अलग लग रही है लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये थ्रेड इज सेम विच इज कनेक्टिंग टू मासेस. अगर थ्रेड सेम है तो उनकी टेंशन भी क्या रहेगी, सेम. अगर मेरे पास दो डिफरेंट थ्रेड्स है या सेम दो डिफरेंट पुली है तो अगर इसमें टेंशन टी है तो यहाँ पे टेंशन टी वन होगी. दैट मीन्स सेम थ्रेड सेम टेंशन. नाउ देखते हैं फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही है. एमजी, स्मॉल एमजी. अब लिफ्ट के केसेस में या बॉक्स के केसेस में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन था. यहाँ पे वी हैव टेंशन थ्रेड में. जितना फोर्स थ्रेड लगा रहा है एम पे दैट इज एम जी, एम उतना फोर्स लगा रहा है थ्रेड पे विच इज टेंशन. कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगी, इधर. इस पाथ की एक्सेलरेशन विल गो डाउनवर्ड, इस पाथ की एक्सेलरेशन विल गो अपवर्ड. तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को फ्री बॉडी डायग्राम में देखूं तो मेरे पास दो सिस्टम बनेंगे जिसको मुझे सॉल्व करना है. फर्स्ट इज दिस कैपिटल एम एम जी एक्सेलरेशन टेंशन, दिस इज माय फर्स्ट सिस्टम. सेकंड सिस्टम क्या रहेगा, स्मॉल एम एम जी टेंशन acceleration, this is my second system. First system, second system. So these are the free body diagram of this system. Free body diagram. तो अब सॉल्व करते हैं. फर्स्ट को mg downward force minus tension is equals to ma. इक्वेशन वन कैपिटल एम ए, इक्वेशन वन फर्स्ट बॉडी का हो गया. सेकंड बॉडी, बॉडी ए फॉर बॉडी बी एक्सेलरेशन अपवर्ड्स टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन सेकेंड. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन वेरिएबल्स, एक्सेलरेशन एंड टेंशन. क्योंकि जो मास है वो फिक्स रहेगा, जी हमें पता है वो फिक्स होता है, तो टू इक्वेशन से हम दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं. इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, स्मॉल एम जी प्लस टी इज इक्वल्स टू एम ए. फ्रॉम दिस टी गेट्स कैंसल, जी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम ए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. सो फ्रॉम हेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी. This is my acceleration of the system. Now, on substituting the value of acceleration in any one of the equation, I'll get the value of T. Mg minus T is equals to M. And what is acceleration? This capital M minus small m upon capital M plus small m into G. So, Mg minus m is equals to t. On solving this expression, I'll get t is equals to twice of capital M and small m
capital M plus small m into G. So this is the tension of the string of the pulley system. Conservation of linear momentum. Now what is conservation of linear momentum? From the second law, from second Newton's law, we know F is equals to rate of change of momentum. Now, if external force is zero, condition kya hai? Condition, if external force is zero, then external force zero ho gaye, dp upon dt is equals to zero. That means T is equals to constant. P kya ho gaya? Constant. That means ki agar mere paas koi system hai particles ka A, B, C, D, so much. So, particle A, B, C, D with momentum P1, P2, P3 and there is no external force acting on this system, then momentum P1 of particle A, momentum P2 of particle 2 plus up to so on momentum N of particle N is constant. That means final momentum of system is equals to initial momentum of system. So this is the law of conservation of momentum. Newton's second law is the real law of motion. Why this is so? Because Newton's second law say Newton first law and third law can be derived. Newton second law ki help se first law ko derive karte hai. Now, from second law, we know F is equals to ma. Ab first law ke according kya hota hai? No external forces applied. That means the object or a particle remains in the state unless until no external force is applied. That means F is equals to zero. MA is equals to zero. No external force. MA equals to zero. Ab, agar ye product zero hai, that means ya to M zero hoga. Yeah, acceleration zero hogi. Mass cannot be zero. Therefore, acceleration have to be zero. Acceleration zero ho gaya. Now we know V minus U is equals to AT. Acceleration zero. V minus U is equals to zero. V is equals to U. That means final velocity is equals to initial velocity. अगर पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वो रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड. दैट मींस फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या रहेगी? जीरो. अगर वो मोशन में है इनिशियली वेलोसिटी यू, वो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी. दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज माय फर्स्ट लॉ डिराइव्ड फ्रॉम second law. Now let's look upon the third law. Do bodies hai, body A, body B. This is force on body A due to B. Agar B A pe force laga raha hai, to wo is direction mein hogi. And force on body B due to A is this.
let. PA is momentum of body A, and PB momentum of body B. Now again, from second law, we know F is equals to dP upon dt. For body A, F of AB is equals to dPA upon dt. For body B, F of BA is equals to dPB upon dt. Now, adding, we'll get dPA upon dt plus dPB upon dt is equals to F of AB plus F of BA. अब कोई external force apply नहीं हो रही है. Again, no external force. External force apply नहीं हो रही है, that means momentum is conserved. Momentum is conserved. Now, this momentum is conserved. So, we can write d by dt of PA plus PB is equals to F of AB plus F of BA. अब momentum conserved है, that means PA plus BB, PA plus PB is constant. So, d by dt of PA plus PB will be 0. 0 is equals to F of AB plus F of BA. Now, from this, we'll get F of AB is equals to negative of F of BA, which is Newton's third law. Third law. That means equal in magnitude and opposite in direction. Forces of equal magnitude and opposite direction are acting on two different bodies. So, this was the third law of Newton derived from the second law. So, this was all about free body diagrams, conservation laws and Newton three laws and how second law is a real law of motion. Now, we'll see you in the next video. Till then, keep revising.